हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक इडली की रेसिपी। तो चलिए मैं डिटेल में बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे तैयार किया है। तो रात में मैंने चावल और उड़द की दाल को भिंगो कर रख दिया था, और ये रात भर ये चावल भिंगोए गए हैं, फूल गए हैं पूरे। सुबह में मैंने इसे लेफ्ट ओवर चावल मेरे पास बचे हुए थे वो डाल के मैंने इसे पीस लिया है मिक्सी में, तीनों मिला के मैंने पीस लिया, जिसके कारण इसमें, और मैंने इसे पीसने के बाद ढक के रख दिया था 5-6 घंटे तक, जिसके कारण इसमें आपको बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इडली में इतने सारे बुलबुले आपको दिख रहे होंगे अभी भी, बहुत ही स्पॉन्जी इडली बन के तैयार होगी। ये एक सीक्रेट है, किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को नहीं भी पता होगा। अब मैं इडली स्टैंड को गर्म होने के लिए चढ़ा देती हूँ, और इधर मैंने सांभर बनाने के लिए दाल भी कुकर में डाल दिया है। ये अरहर की दाल है, आपके पास जितने प्रकार की सब्जियाँ हों आप इसमें डाल सकते हो, ड्रम स्टिक, बैंगन, टमाटर, आलू, भिंडी, रेशेदार जितनी भी सब्जियाँ हो आप इसमें डाल सकते हो। और साथ ही मैंने हरी मिर्च और हल्दी नमक डाल के अब मैं इस कुकर को बंद कर दूंगी, और एक विशल आने तक मैं इसको पकाऊंगी। और इधर मैंने इडली स्टैंड में ऑयलिंग कर दिया है, और अब सारे खांचों को मैं, जो मैंने पीस के तैयार किया था वो लिक्विड, वो इडली बनाने के लिए, उससे फिल कर दूंगी। इधर हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, अब हम उसमें इडली स्टैंड जो हमने फील कर दिया है उसको डाल के ढक्कन लगा देंगे हम। और इधर दाल ने भी सीटी लगा दी है। इडली में ढक्कन लगाने के बाद अब हम इसे 15 मिनट तक धीमी आंच पे छोड़ देंगे। अब चलिए हम लोग चटनी की तैयारी करते हैं। इधर मैंने अरहर की दाल और बादाम को तवे पे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के उसके साथ ही मैंने इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल दी है, और साथ ही अगर आपके पास इमली का पल्प है तो वो भी डाल दीजिए, नमक और कुछ नहीं डाल के इसे ग्राइंड कर लीजिए। मैंने चटनी को ग्राइंड कर लिया, अब मैं चटनी में तड़का लगा रही हूँ।
इसके लिए हमने थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल ली है और उसमें मैंने तड़के के लिए काली वाले सरसों और करी पत्ते को डाल के क्रैकल होने दिया और फिर इसमें चटनी में डाल दिया। अब हमने सांभर के लिए तड़का तैयार करना है। इसमें हमने वो जीरा और हींग डाल के इसमें भी करी पत्ता डाल दिया है। इधर हमने टमाटर और प्याज काट के रखा है, वो डाल देंगे इसमें। और इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। इधर हमारा इडली भी तैयार हो गया है। इसमें हम चाकू या चम्मच डाल के देख लेते हैं कि ये हुआ है या नहीं। अगर हो जाएगा तो उसमें नहीं लगेगा। देखिए अब इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो गया है। अब इसे हम थोड़ी देर बाहर निकाल के रख देंगे 5 मिनट। उसके बाद हम इसे डिमोल्ड करेंगे। इधर मैंने वो तड़के में सांभर को डाल दिया है। अब सांभर भी बन के रेडी हो गया है। अब इसे सर्व करेंगे। देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है। ये देखिए सांभर, चटनी और इडली रेडी हो गया है। अब आप देख लो यहाँ पे इडली कितनी सॉफ्ट बनी है। रूई के तरह सॉफ्ट बनी है ये इडली। बहुत ही टेस्टी इडली बनी थी। आप इस तरह से आप भी इडली बना के ट्राई करना ज़रूर, और कैसी बनी है बताना दोस्तों कमेंट सेक्शन में। बहुत ही यम्मी इडली बनी हुई थी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ब्लॉग भी मेरे चैनल पे आते रहेंगे।